हाँ जी दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं था दिल्ली की सरोजनी नगर मार्केट पे, जहाँ पे ये बिक रहा था ड्रैगन फ्रूट। पहली बार मैं इसको खाने जा रहा था, इसका नाम भी मुझे भैया ने ही बताया। मैंने कहा भैया आप इसको काट दो, क्योंकि घर लेके गया तो मुझे तो पता भी नहीं इसको काटेंगे या छीलेंगे। भैया ने इसको इतने सुंदर ढंग से छीला कि एकदम ये लग रहा था रोज खाने में, बहुत ही टेस्टी था। थोड़ा गूगल करने के बाद मुझे पता चला इसमें बहुत अच्छा फाइबर होता है। दाम था इसका 80 रुपए। अब आप कॉमेंट करके बताइए आप ये फ्रूट ट्राई कर चुके हो या इसको ट्राई करने वाले हो। थैंक यू। हाँ जी दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं था दिल्ली की सरोजनी नगर मार्केट पे, जहाँ पे ये बिक रहा था ड्रैगन फ्रूट। पहली बार मैं इसको खाने जा रहा था, इसका नाम भी मुझे भैया ने ही बताया। मैंने कहा भैया आप इसको काट दो, क्योंकि घर लेके गया तो मुझे तो पता भी नहीं इसको काटेंगे या छीलेंगे। भैया ने इसको इतने सुंदर ढंग से छीला कि एकदम ये लग रहा था रोज खाने में, बहुत ही टेस्टी था। थोड़ा गूगल करने के बाद मुझे पता चला इसमें बहुत अच्छा फाइबर होता है। दाम था इसका 80 रुपए। अब आप कॉमेंट करके बताइए आप ये फ्रूट ट्राई कर। हाँ जी दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं था दिल्ली की सरोजनी नगर मार्केट पे, जहाँ पे ये बिक रहा था ड्रैगन फ्रूट। पहली बार मैं इसको खाने जा रहा था, इसका नाम भी मुझे भैया ने ही बताया। मैंने कहा भैया आप इसको काट दो, क्योंकि घर लेके गया तो मुझे तो पता भी नहीं इसको काटेंगे या छीलेंगे। भैया ने इसको इतने सुंदर ढंग से छीला कि एकदम ये लग रहा था रोज खाने में, बहुत ही टेस्टी था। थोड़ा गूगल करने के बाद मुझे पता चला इसमें बहुत अच्छा फाइबर होता है। दाम था इसका 80 रुपए। अब आप कॉमेंट करके बताइए आप ये फ्रूट ट्राई कर। हाँ जी दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं था दिल्ली की सरोजनी नगर मार्केट पे, जहाँ पे ये बिक रहा था ड्रैगन फ्रूट। पहली बार मैं इसको खाने जा रहा था, इसका नाम भी मुझे भैया ने ही बताया। मैंने कहा भैया आप इसको काट। हेलो बंधुरा, चलून छाद থেকে একটু ঘুরে আসি। ও মা, দেখুন একটা ড্রাগন ফ্রুট হয়েছে আমার ছাদের গাছে। একটা গাছে একটাই ড্রাগন ফ্রুট হয়েছে, আর একটা গাছ আছে দেখুন তাতে ফুল এসে গেছে। তো চলুন ড্রাগন ফ্রুটটা ভালোভাবে ধুয়ে টাটকা টাটকাই মিঠাইকে সার্ভ করি। ড্রাগন গাছ কিন্তু সবাই বাড়িতে একটা দুটো করে লাগাতেই পারে, খুব একটা বেশি পরিচর্যা লাগে না এই গাছের। সূর্যের আলো যাতে খুব ভালোভাবে পায় গাছটায়, সেটা লক্ষ্য রাখলেই চলবে। বছরখানেকের মধ্যেই কিন্তু একটা গাছে একটা ফল অন্তত পাওয়া যেতেই পারে। আমার এই গাছটার 1 বছর বয়স। দেখুন কত সুন্দর রং হয়েছে ফলটায়। দেখুন মিঠাইকে সার্ভ করেছি, মিঠাই খাচ্ছে খুব খুশি। অ্যাকচুয়ালি আমার মিঠাই সব রকমের ফল খেতে ভালোবাসে। তো কি সুন্দর কালার দেখেছেন, থ্যাংক ইউ। হ্যালো বন্ধুরা, চলুন ছাদ থেকে একটু ঘুরে আসি। ও মা, দেখুন একটা ড্রাগন ফ্রুট হয়েছে আমার ছাদের গাছে। একটা গাছে একটাই ড্রাগন ফ্রুট হয়েছে, আর একটা গাছ আছে দেখুন তাতে ফুল এসে গেছে। তো চলুন ড্রাগন ফ্রুটটা ভালোভাবে ধুয়ে টাটকা টাটকাই মিঠাইকে সার্ভ করি। ড্রাগন গাছ কিন্তু সবাই বাড়িতে একটা দুটো করে লাগাতেই পারে, খুব একটা বেশি পরিচর্যা লাগে না এই গাছের। সূর্যের আলো যাতে খুব ভালোভাবে পায় গাছটায়, সেটা লক্ষ্য রাখলেই চলবে। বছরখানেকের মধ্যেই কিন্তু একটা গাছে একটা ফল অন্তত পাওয়া যেতেই পারে। আমার এই গাছটার 1 বছর বয়স। দেখুন কত সুন্দর রং।